देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बेटी, तुम्हें पता है ना कि हम लोग आज क्यों आए हैं? सच कहूं तो तुम्हारी सुंदरता देखकर ही हम लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया है। अब अलग से पसंद करने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर आज हम लोग तुम्हें आशीर्वाद देकर ही यहाँ से जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या, आज ही क्यों आशीर्वाद होगा? आशीर्वाद क्यों नहीं होगा? आज क्या है जो आशीर्वाद नहीं होगा? ये लोग आशीर्वाद करना चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं होगा आशीर्वाद? नहीं नहीं, आशीर्वाद के लिए तो दिन तारीख सब देखना पड़ता है ना, मतलब पंचांग वगैरह देखना होता है ना। हम लोग पंचांग देख कर ही आए हैं। अच्छा दिन देख कर आए हैं हम लोग, आज का दिन अच्छा है, आज आशीर्वाद हो सकता है। नहीं नहीं, जल्दबाजी में आकर तो हम शादी नहीं कर सकते हैं ना ऐसे। अब लोग क्या कहेंगे, मामा के घर पर रहती है इसलिए धूमधाम से नहीं किया। नहीं 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 नहीं, इस तरह से जल्दबाजी में नहीं। असल में हमारे भी तो कुछ रिश्तेदार हैं, उन्हें आने के लिए कहना होगा। अब क्या सोचेंगे, बहुत से लोग हैं ना, आस पड़ोस के लोग भी हैं, उन्हें बिना बताए ऐसे जल्दबाजी में अचानक से आशीर्वाद नहीं कर सकते। नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं, तो इसमें क्या हुआ, शादी में बुला लीजिएगा। लेकिन ये तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है, हम रोका करना चाहते हैं, फिर आप रुकावट क्यों डाल रही हैं? अरे बाप रे, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, रुकावट? दरअसल आप लोगों ने बताया ही नहीं ना कि आप लोग आज ही आएंगे, आज ही आशीर्वाद कर देंगे। मतलब आशीर्वाद करने के लिए एक सही समय होता है ना। हाँ ऐसे थोड़ी होता है। नहीं नहीं, असल में हम लोग ऐसे कुछ तैयारी भी नहीं कर पाए है ना, इसलिए मतलब बोलिए ना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और तुम इंतजाम करो, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो, जाओ। दिया चल तो। अब मैं क्या कह रही हूँ, सुदीप बेटा, अगर बैठने के लिए आसन वगैरह मिल जाता, इंतजाम कर पाते आशीर्वाद देने के लिए। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपने जो कहा उस सब का इंतजाम कर देता हूँ। ए दिया बेटी एक बार यहाँ आना। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हैं पापा? अरे यहाँ बैठने के लिए आसन वगैरह लगा दो, ये लोग आशीर्वाद करेंगे, सुनी नहीं क्या इनकी बातें? अकेले यहाँ मैं कितना काम करूँगी? अभी तो आपने रास्ते का इंतजाम करने के लिए कहा, माँ ने बुलाया उसका हाथ बटाने के लिए, अब आप बुला रहे हैं मुझे। धीरे धीरे बोलो तुम। तुम जाओ ना, जाकर सारा इंतजाम करो, माँ अच्छे से सब कुछ कर देगी, तुम भी थोड़ा ये सब काम करने की कोशिश करो, जाओ वहीं आसन वगैरह लेकर आओ। क्या जरूरत थी, अभी तो आपने बोला ना आपने कोई इंतजाम नहीं किया है। इतना कुछ करने के बाद बोल रही है, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये सब इन्होंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। बात तो वही हो गई, अब ये करें या आप करें अलग थोड़े ही है। कुछ भी तो नहीं कर पाए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोग दया करके थोड़ा खाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आशीर्वाद करने आए हैं ना, पहले आशीर्वाद कर लेते हैं।
उसके बाद। सुन बहू, इस पर तुम बैठोगी और जिस पर तुम बैठी हो ना वो स्टूल मुझे दे दो, मैं बैठती हूँ। हाँ यहाँ रख दो, बस 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 बैठो। करो करो उल्लू करो। मैं क्या बोल रही थी, हम लोग उल्लू कर रहे हैं, आप शंख बजाइए ना। हाँ तुम शंख बजाओ, बजाओ। मुझे एक बात बोलनी थी। वो क्या है कि हमारे घर पर दुर्गा पूजा है, अब उसमें ज्यादा दिन तो है नहीं, तो दुर्गा पूजा में मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आइए और दो चार दिन घर पे रहिए, आप लोगों को भी उसमें बहुत आनंद आएगा। और मैडम आपको मैं अलग से इनविटेशन दे रहा हूँ, आना ही होगा। और स्वीटो बाबू आपको तो आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं, ठीक कह रहा हूँ ना? जरूर आऊंगा। तो फिर सप्तमी के दिन ही आ जाइएगा। और अगर सब नहीं आ सकते अंकल, तो कम से कम आप तो आ ही जाइएगा। आज सिर्फ अंकल के जाने से हो जाएगा ना, और किसी की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं रूमट तो जाएगी। क्यों बेटी, तुम घर आओगी ना? क्या हुआ घुमुर, बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो, आओगी या नहीं आओगी? आऊंगी मामा जी, अगर ले जाएंगे तो जरूर आऊंगी। घुमुर जुबान दिया है तुमने मुझे, आना पड़ेगा फिर। अब इसे देख लूं, अब थोड़ा सा मुंह मीठा करवाती हूँ। खुश रहो खुश रहो। देवी लग रही है बिल्कुल, वाह। हो गया है, अब तुम ऊपर बैठ जाओ। तो फिर अब ये रिश्ता पक्का हो गया है। सोच रही थी कि पूजा के बाद ही नवंबर की शुरुआत में ही हम लोग शादी करवा देंगे, और वैसे भी समय नहीं है, वो विदेश चली जाएगी। सोच रही थी कि 2 तारीख को अच्छा दिन है, आप लोग भी देख लीजिएगा, आना जाना तो लगा रहेगा। मैं बोल रही थी कि अगर आप लोग चाहे तो इस बीच जाकर लड़के को भी आशीर्वाद देकर आइए, ये सब आपके ऊपर है, आप लोग कर सकते हैं, यही ना माँ? नहीं नहीं, एक ही साथ शादी के दिन ही आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद तो होगा मेरी बेटी के साथ। अब देखिए ना, अब मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मेरी
मेरी बेटी ने तो बहुत पढ़ाई की है। हाँ, सुना ना क्या क्या कहा इसने। वाह वाह, कितनी पढ़ी लिखी है देखिए ना। और ब्रह्मा ने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। मेरी बेटी तो विदेश जाना चाहती है, वहाँ रहना चाहती है, और हमें तो इससे कोई तकलीफ नहीं है। अब विदेश सुनकर ही कितना अच्छा लगता है ना। और ब्रह्मर तो, अरे बाप रे, ब्रह्मर को तो ना विदेश का नाम सुनकर ही घबराहट होती है। ये तो बाहर ही नहीं जाती है, बाहर जाने पर बोलती है कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो लड़के के साथ विदेश कैसे जाएगी। विदेश जाएगी तो वो राजी कैसे हो गई, कैसे राजी हुई बताइए ना। ये रह लेगी? मुझे तो नहीं लगता, नहीं, ये विदेश में नहीं रह सकती। लेकिन मेरी बेटी देखो बेटी, जहाँ पति रहेगा वहीं आपकी बेटी को भी जाना पड़ेगा और राजी भी होना होगा। रह लेगी आपकी बेटी, रह लेगी। आप नहीं रह रही हैं क्या? अपने पिता का घर छोड़कर यहाँ पर तो बिल्कुल मत घबराओ। लेकिन मैं मेरी बात तो अपनी बेटी की बात बोल रही है ना। अभी तो अपनी दीदी की शादी हो जाने दो, इसके जाने के बाद अपनी बेटी के लिए भी रिश्ता देखना शुरू करिए। मतलब अगर आप कहें तो हम लोग भी देख सकते हैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता। अब आप लोग भी थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए, थोड़ा मिठाई खाइए। अब और देरी नहीं करनी चाहिए, पूजा के समय बहुत जाम लग जाता है और दूर होने की वजह से 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं। मैं बोल रही थी कि अगर उसके साथ तुम्हें कुछ बातें करनी है तो कर लो। नहीं नहीं, अब भला मैं इस पर क्या बोलूंगा। अरे ये लोग तो फोन पे ही बातें करते, हमारे सामने बातें थोड़ी करेंगे। मैं कभी फोन नहीं करता हूँ, आप पूछ कर देखिए, सामने तो है। अच्छा ठीक है ठीक है, बातें तो रहती ही हैं। कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। नहीं बस यही पूछना था कि पूजा के दिन हमारे घर पर आएंगे या नहीं। सुनिए, आप हमारे घर पर पूजा में आएंगे ना? आपने जुबान दी है तो फिर षष्ठी के दिन पूजा से पहले ही आ जाइएगा। ओके आऊंगी। बेटी तुमने जुबान दी है हमें, आना तो पड़ेगा ही। आऊंगी, जुबान दे रही हूं। नहीं नहीं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद लेकर आऊंगा इसे। 2-4 दिन तक खुश तो रहेगी, और जाए या ना जाए मैं इसे साथ में लेकर आऊंगा।
लेकिन शादी से पहले ससुराल में रात बिताना गलत नहीं है क्या? हमें तो नहीं लगता कि ये गलत है। हाँ? और वैसे भी अब ये हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो फिर कुछ गलत नहीं है इसमें। नहीं नहीं दीदी, आप ये सब लेकर एकदम चिंता मत कीजिए। आजकल का जमाना बदल चुका है, सबकी सोच बदल चुकी है, वो सब कोई मानता नहीं है। वो छोड़िए, कितने दिन ही हैं? हमारे घर पर बहुत धूमधाम से पूजा होती है, बहुत खुशहाली होती है। वो देखेगी कि हमारे घर पर किस तरह से पूजा पाठ होती है। और वैसे भी आने वाले साल में मैं इन्हें देख पाऊंगी कि नहीं, वो लोग पूजा में यहाँ रहेंगे कि नहीं, मुझे तो पता नहीं। इस साल उनको दुर्गा पूजा तो दिखाई दूं, इसीलिए। अच्छा, अब हम लोगों को अब चलना चाहिए। हाँ चलो, हम तो तैयार ही हैं। चलो। खुश रहो बेटी। खुश रहो। नमस्ते। खूब खुश रहो। अच्छा, आते हैं। माँ आइए। हाँ। आइए, चलिए। आता हूँ। चलो। अरे बाबा, चौंक गई क्या? तुझसे मिलने अब कौन आएगा? सामने शादी है, और शादी बोले तो राजपूत की तरह बड़े घर में जाना है तुझे। तो उसके बाद 2 दिन के बाद विदेश चली जाएगी। तू क्या सोच रही? तुझे क्या लगता है, तू वैसे लड़के के साथ रह पाएगी? हाँ, कुत्ते की तरह 2 दिन में भगा देगा तुझे। ये बात तो आपने मुझे पहले भी बोली थी मामी। है मामी, बोला था। बोला तो था। जब भगा देगा ना, तब तो तुझे हमारे ही घर में आना होगा, इसीलिए कहा था तुझे। सुन, जो आशीर्वाद आशीर्वाद करके गए है ना, उसे भूल जा, और कल सीधे जाकर उन्हें मना कर देना, कहना इस शादी के लिए तू राजी नहीं है, बस। प्रे, 2 दिन की मुलाकात है और उसके लिए इतना रोना धोना। क्या हुआ, याद रहेगा ना? क्या रे, कल सुबह उठकर मामा को बोल देना कि तू ये शादी नहीं करना चाहती, ठीक है? याद रहेगा ना? मामी जी, मैं अगर ये शादी नहीं करूंगी और उनके लड़के के साथ दिया की शादी कर देंगी तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। आप क्यों सीधे सीधे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? अरे बाप रे, देख दिया, देख, इतनी हिम्मत, अब तक तो उस घर में पैर भी नहीं रखा है और अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तू बोलना चाहती है कि मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? माँ, देख रही हो ना कैसे तुम्हारा अपमान कर रही है? देखो माँ देखो, तुमने कैसे एक नागिन को दूध पिला के अपने घर में पाला है। ये क्या है, मैं जानती नहीं हूँ क्या? सांप सांप, यहाँ तेरे पापा ने पूरी छूट देकर रखी है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। मामा 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 मामा, कुछ भी बोलने पर फुस 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 करने लग जाती है। क्यों रे, क्यों? कहते हैं मामा की बेटी कहाँ जाएगी, साथ में रखा है। अरे तेरी माँ तो तेरी वजह से ही मर गई थी, जानती नहीं है क्या, खुद खा गई तू अपनी माँ को।
तब भी तुझे शांति नहीं मिली है? शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी लड़की को जीने का कोई हक नहीं है, पता है ना? बोल ना, कोई हक है क्या? और तू ससुराल गई ना तो वहाँ भी डांट खानी पड़ेगी तुझे, और किसी दिन कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुझे तुझे ही बोलेंगे, तुझ पर उंगली उठाएंगे। और तू तू क्या करेगी? ससुराल भी गया और बाप का घर। अगर हमारे घर को अपने बाप का घर समझती ना, तो अगर तू ये शादी करेगी तो इस घर में तेरा आना बिल्कुल बंद। शादी के बाद मैं तुझे इस घर में आने नहीं दूंगी। तेरे साथ हमारा रिश्ता खत्म, एक बार में ही सब खत्म, याद रखना। मामी जी, ओ मामी, मेरा क्या गुनाह है बोलिए तो? मैंने क्या किया है? मैंने तो कभी आपका गलत नहीं चाहा है। मैं आपसे प्यार करती हूँ मामी जी, प्यार करती हूँ। अच्छा, मुझे क्या? आपको, मामा जी को मैं तो दिल से माँ बाप मानती हूँ। मेरे माँ पापा नहीं है, वो तो मैं भूल ही जाती हूँ जब आप लोगों को देखती हूँ। और ये दिया को तो मैं अपनी बहन की तरह प्यार करती हूँ। फिर क्यों मामी जी, क्यों आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता है? क्यों? सुन ले, बोल देती हूँ तुझे, कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करना मेरे सामने। तेरी बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन ली है मैंने, और कुछ भी सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। जुबान पर लगाम लगा। मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मैं रोक दूंगी ये शादी, मैं नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर नहीं। इसलिए मना कर देना, ये शादी तू नहीं करेगी, इस शादी के लिए तू राजी नहीं है, याद रहेगा ना? उसके बाद मैं भी देखती हूँ कि उस लड़के से मेरी बेटी की शादी कैसे नहीं होती है। मेरी बेटी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी के साथ तेरे पसंद के लड़के की शादी कैसे नहीं होती है। मामी जी, नहीं, मामी 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 बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। देखो भ्रमर, अब तुम इस बात के लिए राजी हो या ना हो? लेकिन मैंने किंगसुक को जुबान दी है। मेरी दी हुई जुबान के आगे आपका प्रस्ताव मानना संभव नहीं है। देखा ना माँ, तुम्हारे मुंह के ऊपर कैसा जवाब दे रही है। और थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी कि मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह प्यार करती हूँ। अगर ऐसा होता ना तो क्या आपकी बातों को ऐसे टाल देती? सिर्फ 2 दिन की मुलाकात है उस किंगसुक के साथ, और ये किंगसुक बोलकर थोड़ा ज्यादा पानी पिए जा रही है। स्वार्थी कहीं की। स्वार्थी का मतलब तुम्हें समझ में भी आता है? असल में क्या है माँ, पता है? वो लोग इतने बड़े लोग हैं, इतना सुंदर पति है, पति विदेश जाएगा, पहली बार इतना सब कुछ देखकर ये एकदम से पागल हो गई है। और इतने सालों से जो हमारे घर में रह रही थी, मेरे पापा का दिया हुआ खा रही थी, वो सब इसे कुछ याद ही नहीं है। मामी जी, मैं सुख में रहूं ये आपको पसंद नहीं है बोलिए। मैं मन ही मन किंग सुख से प्यार करने लगी हूँ मामी जी। प्यार करने लगी हूँ मैं उससे प्यार करने लगी हूँ मामी जी, शर्म नहीं आती। मामी के सामने खड़ी होकर प्यार की बातें कर रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। सुन भ्रमर, अच्छे से सुन ले, अगर मैं ना चाहूँ तो ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी, याद रखना तू। क्या हुआ, इतना सोच क्या रही हो तुम? हाँ? मेरी माँ ने जो कहा वो समझ में आया ना? तुम्हारे दिमाग में घुसा ना? मेरी माँ कहना चाहती है कि शादी के लिए माँ बिल्कुल राजी नहीं है।
नहीं दिया। मामी जी शादी से राजी नहीं है, ये तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। मेरे साथ शादी हो ये पसंद नहीं। तेरे साथ शादी हो ये पसंद नहीं, अब ना भ्रमर तुम अच्छी तरह से समझ गई। ठीक बोला है तुमने, तुम्हारे साथ शादी हो ये पसंद नहीं, वैसे लड़के के साथ तेरी शादी करने की औकात नहीं है। क्या है तेरे पास? वैसे लड़के से शादी होगी मेरी प्यारी बेटी दिया की। सुन, उसी लड़के के साथ शादी करूंगी मैं तेरी, तू सुखी रहेगी, बड़े घर की बहू बनेगी। वो इसे बहू मानेंगे, बोल। इसे बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। क्या है तुझ में, बता तो। हाँ, क्या है, तू अपने आप को कोई अप्सरा समझती है क्या? हाँ सुन, अगर मैं ना चाहूँ ना तो ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। कल सुबह ही उनसे कह देना कि तू इस शादी के लिए राजी नहीं है, बस बात खत्म। खुद की बहन का भला नहीं चाहती तू? हाँ नहीं चाहती? तेरे लिए हम लोगों ने कितना कुछ किया है, तेरे लिए इतने पैसे खर्च किए हैं हमने आज तक, वो कर्ज तो नहीं चुकाएगी क्या? किंग सुख मुझे छोड़कर, छोड़ दो ना माँ। क्यों आप उसके सामने मेरी बातें कर रही हैं? देखा ना उसने क्या बोला, किंग सुख इससे शादी करना चाहता है, इसे छोड़कर किसी और से शादी नहीं करेगा वो। शादी से पहले और शादी के बाद कितना फर्क है, यह तो शादी किए बिना समझ में आएगा नहीं। और तू एक बार शादी कर, करके तो दिखा मुझे, तुझे ना ऐसे बदनाम करूंगी ना, तेरे चरित्र को लेकर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी सबको कि तेरी शादी एक दिन भी नहीं टिकेगी। इससे आपको क्या फायदा होगा मामी जी, मुझे तो फिर इसी घर में वापस आना होगा। इसलिए तो कह रही हूँ तेरी शादी ना मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी रे। और अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो इस शादी से तू कभी सुखी नहीं रहेगी, इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो कर। तू अपनी जगह अपनी बहन के लिए छोड़ दे, लेकिन हाँ ये बात ना अपने मामा को मत बताना तू। अब बता तू क्या करेगी, कल सुबह उठकर मामा को बोल देना कि तुझे ये शादी नहीं करनी है, बात खत्म। इतने दिनों तक एक ही बात बोलकर अभी मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती? मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी, नहीं मानेगी ना मेरी बात, यही कह रही है ना? मैं मामा जी को बोलूंगी तो मामा जी मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, बहुत डांटेंगे, बोलेंगे मैंने भी बाकी लोगों की तरह मामा जी का सर शर्म से झुका दिया है। और किंगशिप को क्या जवाब दूंगी मैं? उसके परिवार वाले आकर मुझे आशीर्वाद देकर गए हैं, उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, अभी मैं उससे बोलूंगी कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, कैसे मामी जी? क्यों तुम बोल नहीं सकती कि मैं विदेश नहीं जाऊंगी? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी जैसी अनपढ़ लड़की वहाँ जाकर कुछ नहीं कर पाएगी, और तुम्हारा पति वहाँ विदेश जाकर एक गोरी लड़की के साथ अपना रिश्ता बना लेगा, और तब तुम वहाँ घुट घुट कर मर जाओगी। अरे तुम्हें पता नहीं है वहाँ बहुत कुछ होता है। तो फिर क्या सोचा है तूने? हाँ क्या सोचा है, मामा को बोलेगी क्या नहीं बोलेगी? ए देख देख देख, ऐसे टुकुर टुकुर करके मत देख मेरी तरफ, जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे मुझे। अरे बोल ना, हम लोगों ने कितना कुछ किया है तेरे लिए, हाँ कितना कुछ किया है, तू हम लोगों के लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकती? हाँ नहीं कर सकती, बोल ना। अच्छा भ्रमर,
तू एक बात समझ नहीं रही, उस किंगशुक के साथ तेरी नहीं जमेगी। लोग हंसेंगे तुम दोनों को एक साथ देखकर। हाँ, उसकी जोड़ी जमेगी मेरी दिया के साथ। मेरी बेटी कितनी सुंदर है। किंगशुक के साथ ये खड़ी होगी ना तो लोग कहेंगे हाँ ये है स्टैंडर्ड बहू। और तू 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 अगर उसके साथ खड़ी हो गई तो लोग कहेंगे कि कहाँ से चुड़ैल उठा कर ले आया ये। तो फिर तुझे अच्छा लगेगा ये सुनकर? अच्छा लगेगा, लोग यही तो कहेंगे। और ससुराल के लोग तो एक दो दिन चुप रहेंगे और फिर वो लोग भी बोलना शुरू कर देंगे। ये जो यहाँ आकर मीठी मीठी बातें बता कर गए है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक ही दिन में। कुछ भी नहीं बचेगा। तब तुझे समझ में आएगा कितने धान का कितना चावल। इसलिए कह रही हूँ भ्रमर, मेरी बात मान जा। मैं कह रही हूँ उसके अलावा तुझे जो भी लड़का पसंद होगा, मेरी तरफ देखना बेटा, तुझे जो भी लड़का पसंद होगा ना, मैं उसी के साथ तेरी शादी करवा दूंगी। ठीक है, करवा दूंगी। हाँ मामी जी, आप तो एक बार मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। हाँ तो रिश्ता लेकर आई थी, क्या खराबी थी उसमें बोल? हाँ, सास ससुर जिंदा नहीं थे, खेती बाड़ी थी। हाँ, लड़का पढ़ा लिखा नहीं था, अब और तो उसमें कोई कमी नहीं थी, मुझे नहीं लगता था। और तेरे लिए इससे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा बता? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। जिसके माँ बाप नहीं है, जिसका खुद का कोई सपना नहीं है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानती, जो दूसरों के घर में किराएदार जैसी रहती है, दूसरों के घर में रहने वाली है, अब इससे ज्यादा क्या ही चाहिए उसे। सही कहा आपने। अरे सुनो माँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? ये तुम्हें बातों से ताना मार रही है। अब चाहे ये ताने मारे या जो भी करे, जो बातें सच है वो इसे भी पता है और मुझे भी। सुन भ्रमर, इतनी रात को तेरे रूम में मैं ये कहने आई थी कि कल सुबह उठकर मामा को बोल देना कि तुझे ये शादी नहीं करनी है। उसके बाद अगर किंगशुक दिया को पसंद नहीं करता है तो वो मैं समझ लूंगी। तो कुल मिलाकर अपने प्यारे मामा को और किंगशुक के सभी घर वालों को बोल देना कि तू इस शादी के लिए राजी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ठीक है ना, तू ये शादी नहीं करना चाहती है। ठीक है, क्या बोलेगी ना? बोलना बोलेगी ना, बोलने के लिए राजी है या नहीं? क्या सोच रही है बता ना, ऐसा क्या सोच रही है? ओ, सामने शादी है, इतना अच्छा रिश्ता आया है, तो फिर मेरे सवाल का जवाब देने की क्या जरूरत है, यही सोच रही है ना? हाँ ऐसा नहीं है मामी जी, मैं रमर, मेरा नमक खाया है तूने? बचपन से मेरा नमक खाकर इतनी बड़ी हुई है, तू इतना सा काम नहीं कर सकती हमारे लिए? बचपन से लेकर आज तक हमारे लिए एक बोझ बनी हुई है तू। अच्छा अच्छा, तुझे पता है अगर तू नहीं होती ना तो अपनी बेटी का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख पाती, एक अच्छा इंसान बना सकती थी। तेरे रहते मैं कुछ भी नहीं कर पाई, सब दो भागों में बट गया। तो क्या हमारी जिम्मेदारी थी? बोलना बोलना भ्रमर, वो क्या हम लोगों का दायित्व था? अरे तेरे माँ बाप मर गए तो उसमें हमारा क्या दोष? यहाँ आकर हमारे सिर पर बैठ गए। और तेरे मामा बहुत अच्छे इंसान है ना वो। अगर मैं ये शादी नहीं करती हूँ तो आप खुश होंगी मामी?
तुझे तो बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ और नहीं बोल पा रही हूँ। अब तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा। कह रही हूँ उसके साथ तेरी जोड़ी नहीं जमेगी, नहीं जमेगी, नहीं जमेगी, नहीं जमेगी। उसके साथ तो मेरी दिया की जोड़ी जमेगी। देख बेटी, मैं दिया से उस लड़के की शादी कर दूंगी। अब इतनी रात को मुझसे और बकवास नहीं होगा। हाँ, तू उस लड़के को भूल जा और मैं अपनी दिया के साथ उस लड़के की शादी करवा दूंगी। तू मान जा बाबा, मान जा। जो मैंने कहा है वो बिना नाटक किए कल सब कुछ बोल देना। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और अपने मन की तो तेरे मामा क्या बोलेंगे, तेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे देख लेना। मेरी बात को ठुकरा कर अगर नजरअंदाज किया तो फिर याद रखना भ्रमर, शादी होती है तो होने दे, लेकिन शादी के बाद तू विधवा हो जाएगी। मम्मी का असली रूप तूने देखा नहीं है अब तक। अगर मेरी बेटी को वो लड़का नहीं मिला तो तुझे भी नहीं मिलेगा। और मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी ये तू सोच भी नहीं सकती। जो खिलाऊंगी वो खाएगा, लेकिन शादी के दिन ही। मामी जी दया कीजिए, दया करके आप इस तरह की बातें मत कीजिए ना। धीरे धीरे, मैं तुझे किसी भी हाल में ये शादी नहीं करने दूंगी। याद रखना, मैं तुझे इस घर से शादी करके उस घर में नहीं जाने दूंगी। याद रखना, इस घर से अगर कोई जाएगा तो उस लड़के की लाश जाएगी। अब तू सोच तुझे क्या करना है, फैसला तेरा है कि क्या करेगी। चल दिया। आप जो बोल रही है वही होगा मामी जी। सच? हाँ मामी जी, जिससे मैं प्यार करती हूँ खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के सुख के लिए, उसकी जिंदगी को खत्म होते हुए नहीं देख सकती। मैं कल सुबह ही उठकर मामा जी को बोल दूंगी और उसके बाद किंगसुक को फोन करके बता दूंगी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। ये जो तूने फैसला लिया है ना, देखना बेटी इससे तेरा अच्छा ही होगा। दिया का अच्छा हो, मेरी अच्छाई को लेकर मैं और नहीं सोच रही हूँ मामी जी। कह तो रही हूँ ना मैं कि तेरा भी अच्छा चाहती हूँ। एक अच्छा लड़का ढूंढ कर तेरी शादी करवा दूंगी, बस बस हो गया। आप और परेशान मत होइए मामी जी, मैं अब शादी नहीं करूंगी। इसका मतलब मेरे सीने पर ही सवार रहेगी? नहीं, वैसा भी नहीं होगा। तो फिर क्या करेगी? मैंने तो आपसे वादा किया है मामी जी, मैं कल सुबह उठकर ही कह दूंगी कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब आप निश्चिंत होकर सोने जाइए। ठीक है, तो फिर सुबह अपनी बात से पलट मत जाना या फिर अपने मामा के सामने जाकर आंसू मत बहाने लगना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रमर, तुझे तो पता है ना कि मैं बहुत अच्छी इंसान नहीं हूँ। जो एक बार मुझसे पंगा लेता है ना, उसे कभी छोड़ती नहीं हूँ मैं। और फिर मैं तेरे साथ क्या करूंगी वो तो मैंने तुझे बता ही दिया। इस घर से किंशुक दिया को शादी करके ले जाएगा, तुझे नहीं।
बात तो हो गई है मामी जी, मैंने तो वादा भी किया है आपसे। मेरी बातों पर भरोसा नहीं है आपको? A pleasant surprise.